हेलो एस्पिरेंट्स, हियर आई एम निकिता अमंग यू ऑल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यूपी पीजीटी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। एंड जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं इंग्लिश लिटरेचर के यूपी एंड पीजीटी एंड टीजीटी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जो भी मैं फैक्ट्स बताऊँगी टू द पॉइंट होगा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा। जो कि अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, जो टॉपिक है आज का मेरा, वो है सिलेबस में जो दिया गया यूपी पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में जो दिया गया एस्पिरेंट्स लिटरेरी फिगर जो दिए गए हैं, राइटर दिए गए हैं, तो उनके फादर के प्रोफेशंस के बारे में। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने रिसर्च किया है 2013 एंड द प्रीवियस पेपर्स से, तो वहाँ मैंने देखा है कि जो फादर राइटर के हैं उनके प्रोफेशंस के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। और हम तो जानते ही हैं कि हम जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना और राइट अटैम्प्ट करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम से हमें जॉब मिलने वाली है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में ध्यान नहीं देते कि फादर का प्रोफेशन ही तो पूछा, कोई इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो मैं इस चीज़ को लेकर आपको एक वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या उनके फादर का प्रोफेशन है। तो जो सिलेबस में दिया गया है, राइटर जो सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं पर बेस्ड मैं आपको प्रोफेशन उनके फादर का बताऊँगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। और ये जो क्वेश्चन है इससे बेस्ड बहुत बार पूछे गए हैं। आप 2013 का क्वेश्चन पेपर लीजिए, 16 का जो कि रिसेंटली हुए हैं, तो उससे भी आप लेकर देख सकते हैं कि क्यों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं इससे इसके रिलेटेड मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो पहला जो है वो जो राइटर है जो पहले हैं विलियम शेक्सपियर, एच यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, तो विलियम शेक्सपियर हैं। और थोड़ा सा अगर इनके बर्थ के बारे में बात करें तो कब हुआ था इनका बर्थ, 1564। एंड नेक्स्ट आते हैं इनके फादर के बारे में, जॉन शेक्सपियर। देखिए दो क्वेश्चन करा रहे हैं, पहला तो ये कि अगर पूछ दिया कि विलियम शेक्सपियर के फादर का क्या नाम दिया, फोर ऑप्शन आपको दे दिया, देन आपको चूज करना है जॉन शेक्सपियर। क्या था, जॉन शेक्सपियर। एंड नेक्स्ट जो आता है तो इनका फादर का जो प्रोफेशन था, इनके फादर का जो प्रोफेशन था वो क्या था, बूचर था। पहला प्रोफेशन बूचर था एंड देन उसके बाद ये प्रॉस्परस बिजनेसमैन बने। एंड मैं आपको ये भी फैक्ट बता देना चाहती हूँ कि ये प्रॉस्परस बिजनेसमैन जो दिया गया है ये बहुत टाइम के लिए प्रॉस्परस नहीं रहे, तो इसलिए जो विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन और बहुत ही फेमस कोटेशन है कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, तो ज़्यादा ये पढ़ लिख नहीं पाए थे, तो इसलिए इनके बारे में ये कहा गया है। तो इनके फादर का जो प्रोफेशन है, ओरिजिनली यही पूछेगा कि इनके फादर का जो प्रोफेशन था, क्योंकि नेक्स्ट तो पूछता नहीं है, पहला ही पूछता है, तो इनके फादर का प्रोफेशन बूचर थे। ये जॉन शेक्सपियर के फादर का प्रोफेशन क्या था, बूचर थे। एंड नेक्स्ट आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर के फादर का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ। क्या नाम है, जॉन वर्ड्सवर्थ। एंड इनके फादर का प्रोफेशन क्या रहा, अटॉर्नी रहे। क्या रहे, ये अटॉर्नी रहे, काफ़ी इनकी जो फैमिली थी वो प्रॉस्परस थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ पर उनके फादर का नाम दिया जॉन वर्ड्सवर्थ एंड उनका प्रोफेशन अटॉर्नी। किसका प्रोफेशन, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, तो उनके फादर का प्रोफेशन रहा अटॉर्नी, ये रहे। नेक्स्ट आता है, अब देखिए इसमें थ्री क्वेश्चन है। पहला क्या है कि पूछ देता है कि कोई राइटर का नाम दे दिया, सिलेबस रिलेटेड ही देगा, तो कोई नाम दे दिया एंड वहाँ पर पूछ दिया कि इनका फुल नेम क्या है। तो चार्ल्स डिकेंस हम तो जानते हैं, नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि चार्ल्स डिकेंस इसका नाम है, लेकिन इनका फुल नेम क्या है, चार्ल्स जॉन ह्यूफम डिकेंस। इसे आप माइंड में रखिएगा, चार्ल्स जॉन ह्यूफम डिकेंस इनका पूरा नाम था, तो ये पूछ सकता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है कि इनके फादर का क्या नाम था, तो इनके फादर का नाम था जॉन डिकेंस। क्या नाम था, जॉन डिकेंस। एंड जॉन डिकेंस का प्रोफेशन क्या था, नवल क्लर्क थे। क्या थे, ये नवल क्लर्क थे। और देखिए एस्पिरेंट्स, मैं एक बात और आपको बता देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने लाइन से बनाया, सीक्वेंस में बनाया कि 1 2 3, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड चार्ल्स डिकेंस, तीनों में क्या कॉमन है, इनके फादर का आगे का जो नेम है वो है जॉन।
केवल आपको टाइटल लगा देना है, विलियम शेक्सपियर, फादर का नाम जॉन शेक्सपियर लगा दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ, फादर का नाम जॉन, साथ में वर्ड्सवर्थ लगा दिया। एंड नेक्स्ट क्या है, चार्ल्स डिकेंस, आगे जॉन और पीछे क्या लगा दिया, डिकेंस। तो इस तरह से इनके भी फादर का नाम हो गया जॉन डिकेंस। तो इस तरह से आपको एक ट्रिक के थ्रू आप भी याद कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन किट्स। जॉन किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन किट्स के फादर का नाम था थॉमस किट्स। क्या नाम था? थॉमस किट्स। और थॉमस किट्स का जो प्रोफेशन था वो था हॉस्टलर एट अ इन। एक इन में ये हॉस्टलर थे। क्या थे ये? एक इन में हॉस्टलर थे थॉमस किट्स। नेक्स्ट है पी बी शैली, पर्सी बिश शैली। तो इनके फादर का नाम है टिमोथी शैली। क्या नाम है? टिमोथी शैली। और इनका जो प्रोफेशन था वो था, दो था, पहला ये था कि स्क्वायर थे और दूसरा क्या था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पहला था स्क्वायर टिमोथी शैली का प्रोफेशन और दूसरा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट टी एस एलियट का पूछ सकता है कि फुल नेम क्या था, थॉमस स्टैंस एलियट। एंड बॉर्न हुए थे 1888 और डेथ ईयर था इनका 1965। और इनके फादर का क्या नाम था, हेनरी वेयर एलियट। क्या नाम था? हेनरी वेयर एलियट। टी एस एलियट के फादर का नाम हेनरी वेयर एलियट। और इनका जो प्रोफेशन था, इनके फादर का, हेनरी वेयर एलियट का जो प्रोफेशन था वो क्या था, ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। क्या थे? ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। नेक्स्ट क्या बताया, प्रेसिडेंट। अपने कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रेस ब्रेक कंपनी के प्रेसिडेंट थे। किसके प्रेसिडेंट थे? प्रेस ब्रेक कंपनी के ये प्रेसिडेंट थे। तो दो प्रोफेशन यहाँ पर भी बताया कि ये बिजनेसमैन थे और प्रेसिडेंट थे प्रेस ब्रेक कंपनी का। किसके थे? प्रेस ब्रेक कंपनी की ये प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आते हैं थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी क्या माना जाता है इन्हें? इन्हें तो पेसिमिस्ट का फादर ही माना जाए, क्योंकि जो भी इन्होंने लिखा है सब में क्या दिया है कि पेसिमिज्म का नॉब्स वैन सब में इन्होंने डाला है पेसिमिज्म। तो डिस्पेयर का इन्होंने सब में डाला है पेसिमिज्म का। एंड थॉमस हार्डी की बात करें तो इनके जो फादर थे उनका नाम था थॉमस। क्या नाम था? थॉमस था, सेम ही नाम था। एंड इनका जो प्रोफेशन था, थॉमस इनके फादर का जो प्रोफेशन था वो क्या था, स्टोन मेशन थे। क्या थे? ये स्टोन मेशन थे। और क्या थे? बिल्डर थे। स्टोन मेशन थे और क्या थे? बिल्डर थे। नेक्स्ट आते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन, इनके फादर का नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिशन। क्या नाम था? जॉर्ज क्लेटन टेनिशन। और इनका प्रोफेशन क्या था? जॉर्ज क्लेटन टेनिशन का एंग्लिकन क्लर्जीमैन। क्या नाम था? जॉर्ज क्लेटन टेनिशन। और इनका प्रोफेशन था एंग्लिकन क्लर्जीमैन। क्या थे? ये क्लर्जीमैन थे। तो ये था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन के बारे में। तो ये मैंने आपको एट राइटर के फादर के प्रोफेशन के बारे में बताया। अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहे, मुझे सब्सक्राइब मेरा चैनल किए, तो आई एम श्योर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी और आपको नेक्स्ट राइटर के बारे में, जो अभी रिमेंड राइटर्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डिसीजन, जस्ट निकिता इज़ वेटिंग फॉर योर डिसीजन अर्नेस्टली। थैंक यू गाइज़।